तो हमारे जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डेफिनेशन क्लॉज पढ़ी है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट की, तो डेफिनेशंस इसकी मैंने पहले जैसे कहा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो डेफिनेशन आपने पढ़ ली होंगी, आई होप सो कि आपको समझ आ गई होंगी। तो इसीलिए आज इससे आगे, क्योंकि डेफिनेशन अगर समझ आएंगी तो बाकी चीज़ें, क्योंकि मैंने कहा कि नेक्स्ट चैप्टर आपका शुरू हो रहा है जो चैप्टर नंबर 2 है वो ऑफेंसेस क्या है। तो ऑफेंसेस के चैप्टर में आपको वही बार बार वही अल्फाज मिलेंगे जो हमने डेफिनेशन में पढ़े हैं, और वही आपको बार बार देखने को मिलता जाएगा कि ये चीज़ें आपने जहाँ जहाँ पढ़ी हैं उसी को वो आगे ऑफेंस बनाता जाएगा कि क्या चीज़ ऑफेंस है क्या चीज़ ऑफेंस है नहीं है। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं हमने देखनी है यहाँ पे। तो पहली बात अनऑथोराइज एसेस, ये हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 1 हमने पढ़ लिया था, वो सारी की सारी डेफिनेशंस हमने इसको मिला के पढ़ा, ठीक है। मतलब कि जा जा जिस जिस चीज रिलेट होती थी, क्या चीज़ रिलेट होती थी, वो चीज़ें जो किसी पीपीसी के सेक्शन के साथ जो चीज़ रिलेट होती थी वो भी हमने साथ साथ पढ़ी, तो इस तरह वो हम पढ़ते गए हैं। अब जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो चैप्टर 2 है, ऑफेंसेज एंड पनिशमेंट्स। तो इसके अंदर जो अल्फाज हमने पीछे इस्तेमाल किए हैं, पढ़े हैं, देखे हैं, उन्हीं को वो एक्सप्लेन करेगा। तो अनऑथोराइज एसेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम आर डाटा, ये हमने कहाँ पढ़ा था आपको याद होगा, हमने ये जो डेफिनेशन पढ़ी थी अनऑथोराइज एसेस टू अनऑथोराइज एसेस। अब अनऑथोराइज एसेस को सिंपली देखा या अनऑथोराइज एसेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम आर डाटा, अब ये तीन चीजें उसने क्या की हैं, जोड़ दी हैं। एक तो अनऑथोराइज एसेस है जो कि आपका 31 में, 231 में आपने पीछे पढ़ा है, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम आपने गालबन 20 में पढ़ा था तो आपको याद होगा इसकी डेफिनेशन, ये देखें 20 में। और तीसरी चीज आर डाटा, तो आपने डाटा जो पढ़ा था वो कहाँ पढ़ा था, 13 में। तो तीन चीजें उसने इकट्ठी कर दी, कहता है एक तो अनऑथोराइज एसेस। अब अनऑथोराइज एसेस किसको कहते हैं, आपने डेफिनेशन क्लॉज में बखूबी सीख लिया है, तो अनऑथोराइज एसेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम आर डाटा। अगर कोई इस तरह की अनऑथोराइज एसेस मतलब उस तक रसाई हासिल करता है, कहाँ तक, इंफॉर्मेशन सिस्टम या डाटे तक। अब डाटा के अंदर आपने इंक्लूड किया था दोनों चीजों को, साथ में ट्रैफिक डाटा था साथ में कंटेंट डाटा था, तो इन चीज तीनों चीजों को वो देख रहा है। अब कह रहा है कि अगर कोई शख्स इस तरह कर लेता है देन, कहता है देन उसकी सजा है क्या, Whoever with dishonest intention, dishonest intention की भी डेफिनेशन हमने पीछे पढ़ी है, ठीक है, वो आपने 16 में पढ़ी है, dishonest intention 16 में। मैंने कहा अल्फाज सारे के सारे जो भी हम पढ़ रहे हैं ये पीछे आप देख बैठे हैं, आपने इनको बखूबी देख लिया, इसलिए जहां अल्फाज इस्तेमाल होगा, कोई भी लफ्ज इस्तेमाल होता है, आपको उसका मीनिंग पता है। तो हुएवर डिसोनेस्ट विद डिसोनेस्ट इंटेंशन गेन्स अनऑथोराइज एसेस टू एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम आर डेटा शेल बी पनिश्ड। अब शेल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट आर द टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 months आर विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 50,000 रुपीज आर विद बोथ। अब ये बस ये तो डेफिनेशंस को अगर याद है तो आपको ये ऑफेंसेज एंड पनिशमेंट्स याद होना शुरू हो जाएंगी, 3 माह सजा और कितना विद में एक्सटेंड टू 3 months आर उसके साथ विच में एक्सटेंड टू या 50,000 तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसी तरह अनऑथोराइज कॉपिंग आर ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। अब अनऑथोराइज का तो आपको पता है, कॉपी करता है या ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, डाटा को चला देता है किसी जगह पे किसी चैनल पे किसी दूसरे को ट्रांसमिट करने से ट्रांसमिशन, तो वो और वही बात लफाज यूज कर रहा है जो पीछे हमने पढ़े हैं, वो एवर विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन एंड विदाउट ऑथोराइजेशन कॉपीज आर अदरवाइज ट्रांसमिट आर कॉजेज टू बी ट्रांसमिट एनी डेटा शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट ऑफ विच मे एक्सटेंड टू 6 months आर विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू 100,000 रुपीज आर विद बोथ। तो वही कह रहा है जो हमने पीछे
पढ़ा है अनऑथराइज अगर कोई उसको ट्रांसमिट करता है या कॉपी, पीछे जस्ट असेस थी, असेस रसाई, अब यहां पे उसने असेस तो हासिल की ही की, साथ में उसको कॉपी कर लिया या ट्रांसमिट कर दिया, तो ऐसी सूरत में उसकी सजा इसलिए उसने बढ़ा दी है, 3 माह पहले थी तो अब उसने कॉपी किया है तो 6 माह, और 50,000 से 1 लाख या दोनों। तो इसी तरह सेक्शन 5 है वो क्या कहता है, इंटरफेरेंस विद इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा। अब इंटरफेरेंस किसको कहते हैं, आपने इंफॉर्मेशन और डाटा तो आपके पीछे पड़ा हुआ है, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा तो आपने इस डेफिनेशन में भी पड़ा हुआ है, गालबन 22 में इंटरफेरेंस है, ये देखें 22 में इंटरफेरेंस विद इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डाटा, ये देखिए यहाँ पे इस पूरे की डेफिनेशन उसने बताई है 22 में, तो 22 में इसने ये बताया, अब इंटरफेरेंस जो करेगा उसके साथ क्या सलूक होगा, वो कहता है हु एवर जो कोई भी विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन इंटरफेयर्स विद आर डैमेजेस आर कॉजेज टू बी इंटरफेयर्ड विद आर डैमेजेस, या उसकी वजह बनता है, एक तो करना है ना, एक उसकी वजह बनना भी है, तो जो कोई वजह बनता है विद आर डैमेजेस एनी पार्ट ऑफ होल ऑफ एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम डाटा शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 2 ईयर्स विद फाइन आर विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू 500,000 रुपीज। 500,000 से मुराद 5 लाख रुपए, आर विद बोथ या दोनों। तो यहां पर देखें 3, 4, 5 हमने डेफिनेशन पढ़ी, तीनों में एक में असेस थी इंफॉर्मेशन सिस्टम डेटा तक, दूसरे में अनऑथराइज कॉपी ट्रांसमिशन थी, और तीसरा हमने इंटरफेरेंस पढ़ी थी। इसी तरह आप देखिएगा इसी चीज को 6, 7, 8 में लेके चलेगा। अब 6, 7, 8 एक्चुअली क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से होगा, जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमने कहाँ पढ़ा था, कृषि जो 2.11 में, कि कोई भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम या डाटा है। सिंपल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमने 2.10 में पढ़ा था, लेकिन जब असेस कोई हासिल करता है, पीछे देखिए असेस थी इंफॉर्मेशन सिस्टम की, यहां पे देखिएगा असेस किस चीज की है, असेस टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और वो अनऑथराइज है, तो ऐसी सूरत में अनऑथराइज असेस, अब हमने अभी पीछे पढ़ा 31 के अंदर अनऑथराइज असेस किसको कहते हैं, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमने 210 में 2 और 10 में पढ़ा सब्जेक्शन 10, और जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा है वो 2.11 में पढ़ा, तो वो चीजें हुएवर विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन गेन्स अनऑथराइज एक्सेस टू एनी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। वही बात सेम जो 3 वाली थी, यहां पे सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद है, वहां पे 3 माह थी तो यहां पे 3 साल है, ये देखिएगा यहां वहां पे 3 मंथ्स और यहां पे 3 साल। तो सिंपली सिंपल आपको ये देखना है कि क्या क्या चीजें आपको इसके अंदर, जो सिर्फ मैंने कहा है नथी करना है, आपने नेक्सस बनाना है, तो वो नेक्सस बनाते गए वो 3 और 6, वो असेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम सिंपल थी, ये असेस टू अनऑथराइज असेस थी, ये भी अनऑथराइज है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन सिस्टम थी, यहाँ पे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है इंफॉर्मेशन सिस्टम है। तो 3 साल आर विद फाइन विच मेक्स टू 1 मिलियन, अब इसको आप 10 लाख भी कह सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा आप लोगों को बताता होता हूं कि 10 लाख अगर लिखा हो तो देन लिखना है, बाजुका तो बच्चे वहां पे डेफिनेशन जब सजा लिखते हैं तो सजा लिखते वक्त 10 लाख लिखाते हैं, फिर 10 लाख 1 मिलियन का मतलब तो है, लेकिन आपने उसको अपनी इंटरप्रिटेशन में नहीं जाना, सजा जो भी हो 1 मिलियन है तो 1 मिलियन लिखना है, अगर 10 लाख है तो 10 लाख लिखना है, जैसे पीछे हमने पढ़ा 500,000 रुपीज, तो आप इसको 5 लाख लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहां पे उसने 1 मिलियन बोला है तो आपने भी 1 मिलियन ही लिखना है, आर विद बोथ दोनों भी हो सकते हैं। इसी तरह जो हमने 4 में पढ़ी अनऑथराइज्ड कॉपिंग, वो थी सिंपल डाटा की, यहाँ पे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डाटा की है, सिंपल सी बात वही, क्या कहता है अनऑथराइज्ड कॉपिंग आर ट्रांसमिशन ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डाटा वेवर विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन एंड विदाउट ऑथराइजेशन कॉपीज आर अदरवाइज ट्रांसमिट और कॉजेज टू बी ट्रांसमिट एनी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डाटा शैल बी पनिश विद इंप्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू
5 ईयर्स, वो 3 से 5 हो गया। आर विद विच में एक्सटेंड टू 5 मिलियन, और यहां पे 5 मिलियन है तो मतलब 5 मिलियन ही लिखना है, आर विद बोथ। तो ये वो जो 4 में थी वो 7 में, और जो 5 में था वो ही 8 में है। क्या इंटरफेरेंस, वहां पे भी इंटरफेरेंस थी लेकिन वो थी डाटा तक, यहां है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तक। इंटरफेरेंस विद क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा। देखिए यहां पे 7 साल कर दिया, 5 देखिए 3 5 7, इसको अगर नेक्सस बनाएंगे तो याद होंगे नहीं तो नहीं होंगे। जैसे मैं अक्सर अगर हम इंशाल्लाह पीपीसी भी पढ़ेंगे, सीआरपीसी भी, तो बहुत सारी चीजें हम जब उनको नथी कर लेते हैं, उनको जिस वक्त हम क्या करते हैं एक नेक्सस बना लेते हैं, तो वो चीजें समझ आना शुरू हो जाती हैं। तो यही चीजें उसने कहा कि इंटरफेरेंस, अब इंटरफेरेंस वही बात, ये देखिएगा यहां पे 5 में, तो अब इसलिए जैसे मैंने ये लिखा 3 के साथ 6, 3 और 6 एक ही है, बस वहां पे क्रिटिकल है यहाँ पे सिंपल है। इसलिए 4 से 7, 4 और 7 मैंने इकट्ठा लिखा, इसीलिए आप भी लिख लें 5 और 8, 5 और 8, ये सारी मतलब 8 तक डेफिनेशन आपको, ये 3 माह, यहाँ पे 6 माह, और यहाँ पे 2 साल तक। इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट हुआ ही 3 साल 5 साल और 7 साल से। ठीक है, क्या कहता है, हुएवर विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन इंटरफेयर्स विद आर डैमेजेस आर काजेस टू बी इंटरफेयर विद आर डैमेजेस एनी पार्ट आर होल ऑफ अ क्रिटिकल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम आर डाटा शैल बी पनिश विद इंप्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 7 ईयर्स आर विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू 10 मिलियन रुपीज आर विद बोथ। वही बात, 1 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन, 3 साल, 5 साल, 7 साल। अब ये एक और जो गलती करते हैं, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताता होता हूँ कि सबसे बड़ी गलती करते हैं, एक तो ये 1 मिलियन को 10 लाख लिखा है, ये भी गलती है। जितने भी आपके ये पनिशमेंट पीनल लॉस है ना, जितने भी पीपीसी है या आपका ये है, या अभी आपने सीएनएस से पढ़ना है वो है, या जो भी आपके स्पेशल और क्रिमिनल के जितने भी आते जाएंगे सजाओं वाले, तो सजाएं लिखते हुए गौर करना है। एक तो आपने ये 1 मिलियन है तो 1 मिलियन ही, या 5 मिलियन है, या 10 मिलियन है ये, लेकिन इसके साथ एक लफ्ज वो बार बार लिखता है विच मे एक्सटेंड टू। तो बाज़ुकात हम, अगर मैं किसी एक वकील साहब से या किसी भी एक जुडिशियल एस्पायरेंट से पूछूं कि चोरी की सजा क्या है, तो सारे मुझे बताएंगे 3 साल। जी बेटा 3 साल नहीं होती, ये याद रखिएगा, जब भी आपने बताना है तो आपने ये बताना है विच मे एक्सटेंड टू, 7 लफ्ज तक लगाना है, 3 साल तक, 5 साल तक, जहां पे विच मे एक्सटेंड आता है। बाजू कहता है शैल बी लायबल टू पनिशमेंट, ठीक है, और वहां पे 1 मिलियन या 5 ईयर्स या 3 ईयर्स या 5 ईयर्स या 7 ईयर्स लिखा हुआ है, तो विच मीन्स के वो उतनी ही सजा है, वो मिनिमम उतनी ही है। लेकिन यहाँ पे मिनिमम की कोई कैद नहीं है, मिनिमम अगर विच मे एक्सटेंड टू 1 मिलियन रुपीज और विच मे एक्सटेंड टू 3 ईयर्स लिखा हुआ है, या यहाँ पे अगर 8 में देखते हैं विच फाइन है, वो कह रहा है प्रिजन में विच मे एक्सटेंड टू 7 ईयर्स आर विद फाइन। अब विच मे एक्सटेंड टू लफ यूज हुआ है तो 7 ईयर्स तक है, मतलब अप टू है, ये 1 दिन भी हो सकती है, या 1 घंटा भी हो सकती है, 1 सेकेंड भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट उसने 7 ईयर्स बता दिया है। जिस तरह विद फाइन है तो फाइन भी उसने इसका क्या किया है, विच मे एक्सटेंड टू किया है, कि ये भी 10 लाख तक है, ये नहीं कि 10 लाख ही जुर्माना करना है, मतलब वो 1 लाख भी हो सकता है, 5 हजार भी हो सकता है, 1 हजार भी हो सकता है, 1 रुपया भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने मद्देनजर रखनी है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे जी सेक्शन 9 इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी देखिएगा। ग्लोरिफिकेशन ऑफ एन ऑफेंस, जैसे कि दहशतगर्दी है या किसी भी ऑफेंस है, ग्लोरीफाई करने से मुराद होता है उसको तशहीर करना, उसको बिखारना, उसकी तबलीग करना किसी भी ऑफेंस की। जब जुर्म की तशहीर करोगे तो दैट इज कॉल्ड ग्लोरिफिकेशन ऑफ एन ऑफेंस। कैसे,
अब इसकी डेफिनेशन पीछे कभी नहीं आई, तो इसलिए इसकी डेफिनेशन यहां पे आपने देखनी है कि ये क्या है। उसने कहा कि ग्लोरिफिकेशन ऑफ ऑफेंस क्या है, हुएवर प्रिपेयर्स आर डिसेमिनेट, डिसेमिनेशन क्या होता है, उसको तशहीर करने को कहते हैं, इंफॉर्मेशन थ्रू एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम और डिवाइस विद इंटेंट टू ग्लोरीफाई एन ऑफेंस, किसकी, ग्लोरीफाई ऑफ एन ऑफेंस, तशहीर किसकी कर रहा है, एक जुर्म की। ऑफेंस आपने 25 में पढ़ा हुआ है तो वो आपने याद रखना है कि ऑफेंस क्या है, तो वो ऑफेंस आपको ये भी याद रखिएगा कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे आती हैं, ठीक है, तो वो चीज आपको पता होगी कि क्या क्या है। तो उसके अलावा, अच्छा उसके अलावा आगे चलते हैं, उसने कहा कि कोई भी ऑफेंस, एक तो ऑफेंस की ग्लोरिफिकेशन कर रिलेटिंग टू, और वो ऑफेंस क्या है, रिलेटिंग टू टेररिज्म, और ऑफेंस है, और फिर ऑफेंस किस चीज का है, दहशतगर्दी का। आपका एटीए भी आपके सिलेबस का हिस्सा है तो वो भी इंशाल्लाह पढ़ना है हमने। आर एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ अ क्राइम रिलेटिंग टू टेररिज्म, या कोई भी बंदा जो शख्स कन्विक्ट है उसी क्राइम का, तो उसके उसके जुमरे में उसकी क्या करना, वो क्या कर रहा है, उसकी इंटेंशन ये है कि ग्लोरीफाई करो उस ऑफेंस के, कि वो बंदा कन्विक्टेड है और वो कर रहा है इस चीज की ग्लोरिफिकेशन। आर एक्टिविटीज ऑफ प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये प्रोस्क्राइब्ड कौन सी होती है, कलदम तंजीम, जैसे अभी आप लोग सारे माशाल्लाह लॉ के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा कि ये जो टीएलपी है, तहरीके लबैक पाकिस्तान, आल दो के गलत कर रहे हैं या वट एवर ये, लेकिन इन्होंने इसको 15 अप्रैल को नोटिफाई कर दिया कि दिस इज अ प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन, और इसको उन्होंने थर्ड शेड्यूल में डाल दिया। थर्ड शेड्यूल किसको कहते हैं, आपने एटीए पढ़ना है तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ आएंगी, क्योंकि आप स्टूडेंट ऑफ लॉ है तो आपको चीजें ये समझ आनी है। तो प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन 11B के तहत किया जाता है इनको, 11B किसका है, आपका एटीए का, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप इससे इन टच रहा करें चीजों को। खैर अब वो कह रहा है कोई भी एक्टिविटीज या क्राइम, या कोई भी बंदा किन एक्टिविटीज में शामिल हो, प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन, अगर ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन जो बैन हो गई, ममनू हो गई, कलदम हो गई, उसकी एक्टिविटीज में शामिल हो, आर इंडिविजुअल एक अकेला बंदा, आर ग्रुप या कोई ग्रुप हो, शैल बी पनिश। अब उसने कहा कि कोई भी शख्स ग्लोरीफाई कर रहा है या कन्विक्टेड है कोई बंदा ऐसे ऑफेंसेस टेररिज्म में, या कोई बंदा या कोई ग्रुप किसमें, किसी ममनुआ ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज में शामिल है, तो उसका मतलब हुआ कि वो क्या कर रहा है, ग्लोरिफिकेशन ऑफ ऑफेंस कर रहा है, और अगर वो कर रहा है तो उसको इसके तहत भी, सेक्शन 9 के तहत भी सजा मिलेगी, और वो सजा कितनी है, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, आर विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू 10 मिलियन रुपीज, आर विद बोथ। ठीक हो गया, यहाँ पे समझाने की जरूरत नहीं है, चीजें पहले आपने समझ ली। आगे, फॉर पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन ग्लोरिफिकेशन, अब देखो ग्लोरिफिकेशन को अब मजीद क्या कर रहा है, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, इंक्लूड डिसेप्शन, अब ग्लोरिफिकेशन से मुराद ये, उसके अंदर ये चीज भी शामिल कर रहा है, डिसीव करना किसी को, ठीक है, डिसेप्शन ऑफ एनी फॉर्म ऑफ प्रेज आर सेलिब्रेशन इन द डिजायरेबल मैनर, किसी भी एक दुआ को या किसी सेलिब्रेशन को अपने मैनर्स में क्या कर लेना, उसकी नक्शाकशी कर लेना, उसको अप डिपिक कर लेना, उसको समझ लेना अपने मतलब में, कि कोई सेलिब्रेशन हो रही है तो उसको उस मैनर्स में ले जाना, तो वो भी ग्लोरिफिकेशन में आएगा कि जनाब ये जो उस सेलिब्रेशन थी या ये जो प्रेज थी ये किस में शामिल हो गई, ग्लोरिफिकेशन में, और ग्लोरिफिकेशन से मुराद हो गया ये ग्लोरिफिकेशन ऑफेंस, और वो इस ऑफेंस सेक्शन 9 के तहत आ जाएगी। इसी तरह नंबर नेक्स्ट आपका है साइबर टेररिज्म, तो ये साइबर टेररिज्म किसको कहते हैं, साइबर टेररिज्म इस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
कहता हूएवर कमिट्स आर थ्रेट्स थ्रेटन्स टू कमिट एनी ऑफ द ऑफेंस अंडर 6, 7, 8, 9। आपने 6, 7 से शुरू किया, वही उसने कहा अनऑथराइज्ड एक्सेस है, अनऑथराइज्ड कॉपीज है, या अनऑथराइज्ड जो क्या है इंटरफेरेंस है, जो वो एक्सेस है या कॉपिंग है, या ये 6, 7, 8 और 9वां अभी आपने पढ़ा ग्लोरिफिकेशन। कहता है कोई भी शख्स कमिट करता है या थ्रेट करता है कमिट करने का, वही 6, 7, 8, 9 वाले, और वेयर द कमीशन वो होना या वो थ्रेट, इंटेंशन उसके क्या हो, इंटेंट टू क्या, कोर्स मजबूर करना, धमकाना, इंटिमिडेट उकसाना, क्रिएट अ सेंस ऑफ फियर एक डर का खौफ फैला देना, खौफ फैला देना या पैनिक फैलाना, आर इनसिक्योरिटी करना इन द गवर्नमेंट, किसमें, किसी गवर्नमेंट के अंदर किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को, आर द पब्लिक आर अ सेक्शन ऑफ अ पब्लिक आर कम्युनिटी आर सेक्टर क्रिएट अ सेंस ऑफ फियर आर इनसिक्योरिटी इन द सोसाइटी। इसी तरह सोसाइटी में, पब्लिक में, गवर्नमेंट में किसी तरह धमकाना, उसको मजबूर करना, सेंस ऑफ फियर फैलाना, कुछ शदीद खौफ फैलाना, वो अगर इंटेंशन उसकी होगी 6, 7, 8 में, अगर कॉपी कर रहा है तो उसके पीछे ये उसका अजम है, या ग्लोरीफाई कर रहा है तो ये अजम है, या उसको क्या कर रहा है इंटरफेरेंस कर रहा है तो उसका अजम ये है, तो फिर वो साइबर टेररिज्म में आएगा, सेक्शन 10 में आएगा। और दूसरी बात, एडवांस इंटरफेथ सेक्टेरियन आर एथनिक हेटर, या फिर उनमें क्या फैलाता है, ये जो मजाहिब के अंदर या फिरका वारियत या नफरत, नस्ली नफरत को फैलाता है, तो उसके ये फैला, अगर उसको ये पीछे 6, 7, 8, 9 वाले के अंदर अगर ये चीज शामिल होगी कि वो मजाहिब के अंदर कुछ क्या करे, फैलाए या फिरका वार परस्ती के लिए ये चीजें 6, 7, 8, 9 को यूज कर रहा है, या किसी नस्ली नफरत के लिए 6, 7, 8, 9 यूज कर रहा है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, फिर भी ये साइबर टेररिज्म में आ जाएगा। और दूसरा, एडवांस द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर इंडिविजुअल्स आर ग्रुप्स प्रोस्क्राइब्ड अंडर द लॉ। अब यहां तक बात खत्म हो गई, ये तीसरी चीज उसने कहा, या आप तो ऐसी चीज को बढ़ोतरी देता है, जैसे मैंने पीछे कहा एडवांस इंटरफेयर, तो उनको बढ़ावा दे रहा है इंटरफेरेंस। अब यहां पे कह रहा है एडवांस ऑब्जेक्ट ऑफ, अब जो के प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन, प्रोस्क्राइब्ड ग्रुप्स है जिनको कलादम करार दे दिया गया, अगर उनके ऑब्जेक्टिव्स को फैलाता है, बढ़ावा देता है, तो फिर ये तीनों साइबर टेररिज्म में आएगा। और जब सारा तीनों साइबर टेररिज्म में आएगा तो देन इन की सजा क्या होगी, वो होगी शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 14 ईयर्स, 14 साल तक सजा हो सकती है, आर विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू 50 मिलियन रुपीज, आर विद बोथ। तो ऐसी सूरत में 6, 7, 8, 9 के अंदर अगर वो 10 में शामिल हो गया, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, वो आपने देखना है क्या कि जनाब इसके अंदर ये चीजें क्या हैं, ये जब इसके अंदर ये शामिल हो गया तो फिर वो साइबर टेररिज्म में आ गया, तो फिर उनकी सजा इस सेक्शन 10 के तहत होगी, ना कि सेक्शन आपके पिछले 6, 7, 8, 9 के तहत होगी। अगला है सेक्शन 11, हेट स्पीच, ये जो हमेशा की जाती है नफरत अंगेज स्पीच जो होती है, जो कि पिछले दिनों एक हमारे यहाँ जमात हुआ करती थी जिसको भी कलदम करार दे दिया गया, जो के वो क्या थी इसका नाम, ये जो कराची वाला था जेन से निकल के जमात का क्या नाम है, क्या नाम था, MQM, तो वो MQM जो थी, जो अल्ताफ हुसैन, तो वो इसी वजह से कि वो हेट स्पीचेस करते रहते थे अल्ताफ हुसैन साहब, और इस वजह से वो हेट स्पीच की वजह से वो पहले तो उनकी एक्टिविटीज इस तरह की थी तो उनको प्रोस्क्राइब डिक्लेयर करना पड़ा, और जब वो प्रोस्क्राइब डिक्लेयर हो गई तो फिर उनकी जो स्पीचेस थी वो भी, अब हेट स्पीच जरूरी नहीं कि वही करे कोई भी शख्स जिसमें क्या हो, कहता हूएवर प्रिपेयर्स अ डिसेमिनेट, जिसमें इंतजार फैलाना हो,
या इंतजार फैलाने के लिए कोई मालूमात दी जाए थ्रू एन इंफॉर्मेशन सिस्टम आर डिवाइस, किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम डिवाइस से, दैट एडवांसेस जिससे क्या हो बढ़ोतरी मिले, बढ़ावा मिले, आर इज लाइकली टू एडवांसेस, या फिर लगता हो कि इससे बढ़ोतरी मिलेगी किसको, या तो बैन अल मजाहिब को इंटरफेस, सेक्टेरियन फिरका परस्ती को, या रेशियल हेटर, या कोई नस्ली जो हमारे यहाँ नस्लों की नफरत है कि काला गोरा उनको, तो ऐसी सूरत में वो जो शख्स ऐसी सूरत फैलाएगा उसको कहते हैं हेट स्पीच, और हेट स्पीच की सजा जो है उसने लिखी है विच मे एक्सटेंड टू 7 ईयर्स आर विद बोथ। तो ये सेक्शन 11 हुआ हेट स्पीच। 12 इसको अंदर अब देखिए टेररिज्म के लिए किसी को भर्ती करना, बाजू ये पिछले दिनों देखा होगा ये जो क्या थी एक तंजीम दाइश ने थ्रू इंटरनेट, थ्रू फेसबुक, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू मुख्तलिफ चैनल्स क्या करना शुरू किया, अपने कारिंदे भर्ती करने। उन्होंने कहा कि आपको ये क्या होगा सवाब मिलेगा, आप आए इसके अंदर शामिल हो। अभी पिछले दिनों आपने एक केस देखा होगा कि एक यूके की शहरी थी, वो जो मुस्लिम थी, वो उसने वो दाइश ज्वाइन कर ली थी और उसके बाद उन्होंने उसके जो वो क्या कर दिया, शहरियत मनसूख कर दी, और वो थ्रू अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम या डिवाइस है तो वो भी एक जुर्म है हमारे यहां भी। 12 सेक्शन के में क्या कहता है, कहता है रिक्रूटमेंट फंडिंग या पैसे इधर उधर फंडिंग करना या प्लानिंग ऑफ टेररिज्म, क्या whoever prepares or disseminates information through any information system or device that invites, किसी को बुलाता है या motivate to fund या fund करो जी, or recruits people या लोगों को भर्ती करता है for terrorism, किसके लिए, उनकी funding भी terrorism के लिए है, उनको invite करना भी terrorism के लिए है, उनको recruit करना भी terrorism के लिए, आर प्लान्स पर टेररिज्म या टेररिज्म का कोई प्लान्स कर रहा है किस, लेकिन लफ्ज उसने थ्रू इंफॉर्मेशन सिस्टम और डिवाइस यूज किया। मैंने कहा कि ये है ही इलेक्ट्रॉनिक क्राइम और इसके अंदर डिवाइस और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या फिर सिस्टम है वो यूज होना चाहिए। फिर उसकी सजा क्या है, शैल बी पनिश विद इंप्रिजनमेंट फॉर टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 7 ईयर्स आर विद फाइन आर विद बोथ। तो यहां तक आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 12 तक, इसको इंशाल्लाह कल ये ऑफेंसेस वाला चैप्टर स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, जितना इसको आप आराम से समझ के पढ़ेंगे उतना ही ये समझ आएगा, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ये आपके जो जहनों में, क्योंकि ये पहली दफा पढ़ रहा है कोई दूसरी दफा पढ़ रहा है या उसके अंदर ये चीजें गड़मड़ होना शुरू हो जाती हैं, तो इसको अभी एक दफा पढ़ेंगे एक दफा रिवाइज करेंगे तो ऐसे लगेगा कि ओहो ये तो बड़ा आसान सा है, तो इसीलिए इन चीजों को समझना है। कल इंशाल्लाह ये ऑफेंसेस वाला हम चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है इंशाल्लाह। अब हम नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आते हैं।